कैमरा ट्रैप इंस्टॉल करेंगे ताकि हमें पता चले कि लेपर्ड अभी कहाँ पे है, उसका इमेज मिल सके ताकि हम एनालाइज कर पाए कि लेपर्ड का मूवमेंट कैसा है। गढ़वा के रंका में आदमखोर तेंदुए की टोह लेने के लिए वन विभाग अब गूगल मैप का सहारा ले रहा है। दरअसल वन विभाग ने तेंदुए की खोज के लिए 50 वन कर्मियों को 50 ट्रैप कैमरे के साथ लगाया है। भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु पदाधिकारी एवेन बेनी के निर्देश पर सभी कैमरे गांव में लगाए गए हैं। उससे पहले रंका अनुमंडल मुख्यालय में कैमरा लगाने के लिए कर्मियों को सभी तरह की तकनीकी जानकारी दी गई है। उसके बाद वहां से टीम के सदस्य कई गांवों में जाकर कैमरे को लगाए हैं। हम लोग आज कैमरा ट्रैप ग्रिड वाइज लगाने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ने एक ग्रिड बनाया है अराउंड द एरिया ऑन विच द लेपर्ड वाज स्पॉटेड रिसेंटली, तो उस जगह के आसपास हमने ग्रिड वाइज मैप बनाया है। तो एक साइंटिफिक माध्यम से हम लोग ये कैमरा ट्रैप इंस्टॉल करेंगे ताकि हमें पता चले कि लेपर्ड अभी कहाँ पे है, उसका इमेज मिल सके ताकि हम एनालाइज कर पाए कि लेपर्ड का मूवमेंट कैसा है, कहाँ पे उसको ट्रैप कर सकता है। ना इसके लिए तो इसके लिए हमारा ये फॉरेस्ट गार्ड्स का टीम है। गढ़वा साउथ का फॉरेस्ट गार्ड्स है, फॉरेस्टर्स भी है, उसके साथ गढ़वा नॉर्थ से भी टीम बुलाया है ये एक्सरसाइज में हमको हेल्प करने के लिए। तो इससे हमारा कोशिश रहेगा कि लेपर्ड को ट्रैक करने के लिए कि कहाँ पर है पता चलने के लिए, और आगे का मूवमेंट क्या होगा ये भी हमें इसे स्पष्ट हो जाएगा। इसका सब देख रेख कौन करेगा, जो टीम आपका? अभी जाके कैमरा इंस्टॉल करेंगे, वापस आ जाएंगे। अभी बस जंगल में लगा के कैमरा है, वापस आ जाएंगे। हाँ, आज वापस आएंगे और हर दिन हम लोग जाके उसका इमेज रिट्रीव करेंगे और रोज हम लोग इमेज को एनालाइज करेंगे। सर अभी कहाँ कहाँ जाएंगे सर? अभी किस क्षेत्र में आप जाने वाले हैं? अभी हम लोग क्योंकि आखिरी इंसिडेंट जो हुआ था कुशवार गांव में हुआ था, उसके आसपास वाले गांवों में कर रहे हैं। हमने एक ग्रिड बनाया है, 50 स्क्वायर्स का ग्रिड बनाया है एक, तो उस ग्रिड के अंदर हम लोग उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। इधर DFO ने बताया कि तेंदुए को आदमखोर घोषित किए जाने के बाद उसे ट्रैंकुलाइज कर उसे पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। ट्रैंकुलाइज करने में अगर सफलता मिली तो उसे किसी रेस्क्यू सेंटर में भेजा जाएगा। साथ ही उसके बाद ये भी प्रयास किया जा रहा है कि उसे PTR क्षेत्र में सुरक्षित वापस भेज दिया जाए। यदि उसमें भी सफलता नहीं मिलती तो और वो लोगों पर हमला करता है तो उसे मारने के लिए विकल्प पर विचार किया जाएगा। वन विभाग के पास जो भी संसाधन उपलब्ध है उसे हम लोग जो है पूरे क्षेत्र में जहाँ देखा गया है उसका कॉरिडोर, जिस जगह से वो विचरण कर रहा है, हम लोग 50 कैमरा ट्रैप आज लगा रहे हैं। इसके पहले हमने जागरूकता अभियान चलाया हुआ था, 15 दिनों से हम लोग जागरूकता अभियान पूरे शहर का, पूरे एरिया का, जंगल का हर क्षेत्र में किया है। लोग जो है ये समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि तेंदुआ जो है वो रात में ही विचरण करता है और शाम को वो अपना भोजन लोगों को बना रहा है, उसका जो है एटीट्यूड को समझना होगा। हम लोग जो है सो शाम के शाम सभी घर के जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, घर के अंदर आ जाना चाहिए, ये हम लोग समझा बुझा रहे हैं हर क्षेत्र में। कहीं तो लोग समझ रहे हैं लेकिन कहीं लोग सुदूर गांव में नहीं समझ पा रहे हैं उसका। क्या आम जनता से आपका अपील है? मैं अपील करता हूं कि ज़्यादा दहशत में नहीं जीना है, और शाम जैसे होता है, जैसे ही मच्छंधार जिसको बोलते हैं, छौ जैसे बजता है, वैसे आप लोग अपने घरों में बच्चों को रखें और सुबह 6 बजे से पहले नहीं निकले, नहीं तो जिस समय वो डाउन में और डस्क में, यही दो समय है उसका शिकार करने का, तो शिकार जो है सो वो हो सकते हैं, तो उससे सावधानी बरतना हो तो नहीं लौटा सकते हैं। लेकिन सरकार द्वारा दिया गया 4 लाख रुपया एक ही सप्ताह के अंदर हम लोग भुगतान करने के लिए तैयार हैं, और भुगतान के लिए हमारे पास राशि आ गया है। और आदमखोर तेंदुआ के लिए सर विभाग को भी आप लोग लिख चुके हैं क्या? आदमखोर तेंदुआ के लिए हम लोगों ने जो अपने जो PCCF वाइल्ड लाइफ के जो हैं वो उनको हम लोगों ने लिखा हुआ है कि उसका जो है या तो हम लोग सबसे जरूरी चीज़ जो है उसको ट्रैंकुलाइज करके रेस्क्यू करेंगे, अगर वो हम लोग विफल रहे और इस तरह आतंक बरकरार रहा तो उससे आगे का जो स्टेप है वो वाइल्ड लाइफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ही देते हैं, वो अगर हम जो हम लोग उसके लिए उनसे प्रे कर रहे हैं। सर हमारा ये कहना है जो तो वो ज़्यादा उम्रदार हो गया है, क्योंकि वो शिकार कर नहीं पा रहा है जंगली जानवरों का, इसलिए वो जो इजी टारगेट मिल रहा है उसको वहीं पर जो आक्रमण कर रहा है। सर अखबार में छपा हुआ सर शूटर का बात चल रहा है, वो आपका टीम
क्या नहीं, जब तक हमको आदेश ऊपर से प्राप्त नहीं होता है वैसा हम लोग जो है सो ऐसा काम कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। हम लोग पहले उसको रेस्यू करने के लिए सोचेंगे, अखबार में छपाई करेंगे। तो क्या यह समझा जाए कि आप तेंदुआ को मारने के लिए तत्पर हैं? नहीं, मारना ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हम पहले उसको रेस्क्यू करेंगे, लास्ट ऑप्शन हम लोग रखते हैं। जब हम लोग अगर रेस्क्यू नहीं कर पाएंगे, ट्रैंकुलाइज करके नहीं कर पाएंगे और उसका आतंक बरकरार रहा, यहाँ से अगर नहीं वो हटा, तो हम लोग अगला स्टेप जो होता है, जो निर्णायक स्टेप है, वो भी हम लोग लेने के लिए तैयार। बता दें कि 28 दिसंबर की शाम कुशवार गांव में 13 वर्षीय किशोर हरेंद्र नायक को तेंदुए ने मार डाला था, जिसके बाद से ही वन विभाग की टीम गांव के आसपास लगातार नजर रख रही है। जिन गांव में कैमरे लगाए गए हैं उनमें बलीगढ़, तेतरडी, बैरिया, शिंजो, कुशवार, पिजराजपुर, केरवा, बरवा, रोदो गाँव शामिल है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गढ़वा से अभय तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।